पाजी तुसे क्या लगा, आपको क्या लगा कि मैं डर जाऊंगा? ठीक है पाजी, आप खुद ना चार बच्चों के बाप लगते हो। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप तो क्या आई हो आप लोग अच्छे हो गए। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे नीच जो वर्ड मैं उसके लिए यूज करूँ वो भी कम पड़ेगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। एक यूट्यूबर है जट प्रभजोत करके, जिसका अभी बेसिकली रिसेंट में एक एक्सीडेंट हुआ है। मैं बात करूँ जट प्रभजोत के बारे में, जो नेपाल राइड में अभी, लेकिन अभी कुछ वीडियो वगैरह मुझे लोग सबमिट कर रहे थे, ये बताते हुए कि जट प्रभजोत का जो एक्सीडेंट हो चुका है, ऐसे नेपाल में उनका एक्सीडेंट हुआ है। उनका बाइक का कंडीशन आप देख सकते हो, उनका कंडीशन क्या आप देख सकते हो, पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। लेकिन मुझे इतना तक पता चला कि उनके दोनों ही पैर टूट चुके। तो जैसा कि तुमने देखा कि इस बंदे का एक्सीडेंट हो गया, जिसपे ये बंदा उसके एक्सीडेंट पे, उसके हाथ पैर टूटने पे उसका मजाक बना रहा है और अपने वीडियो के टाइटल और थंबनेल में उसे मार दे रहा है। तुम्हें शर्म है कुछ? और ये अपने आप को ना वीडियो में ना रोस्टर कहता है। देख मेरे भाई, ये सब करने के बाद तू रोस्टर तो नहीं, लेकिन हाँ पायल जोन जरूर लग रहा है। जट प्रभजोत एक और राइडर जिसके पैर हाथ लान तो नहीं टूट सकता, सब टूट चुका है एवरीथिंग। उस बंदे का एक्सीडेंट हो गया, उसके हाथ पैर टूट गया और ये बंदा अपने वीडियो में उसे गाली देके इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसकी वीडियो देखने के बाद और इसके वीडियो में इसकी बात सुनने के बाद ना एक बात तो समझ में आ गई है कि इसे जल्द से जल्द मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है। और इसका रीजन तो सुनो कि अपने वीडियो में जट प्रभजोत को इतना गाली देकर क्यों बोलता है। लेकिन उससे पहले मैं ऐसा गंदा गंदा क्यों बोल रहा हूं तुमको लग रहा होगा, पहली बात तो ये कि एक रोस्टिंग चैनल है। सबसे पहली बात तो तेरा रोस्टिंग चैनल है ना, तू अपने आप को रोस्टिंग कम्युनिटी से जोड़ना ना बंद कर दे, क्योंकि अपने वीडियो में डायरेक्ट किसी को गाली देना, डायरेक्ट किसी को हेट फैलाना रोस्टिंग तो नहीं कहलाती मेरे भाई। रोस्टिंग का मतलब होता है कि अपने सामने वाले को, जिसको तुम वीडियो में यूज कर रहे हो, उनके बिना पर्सनल जाए उनके हरकतों पे बात बोले और अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ लोगों को हंसाए, वो रोस्टर कहलाता है। लेकिन जो तू कर रहा है ना बेटा, उसे तो रोस्टिंग कतई नहीं कहते। क्या बोलूं भाई, इतना पागल आदमी है ना, इतना सिंपैथी ले रहा है पैर तोड़वा के। लाइक सीरियसली ब्रो, मतलब वो अपने सिंपैथी लेने के लिए अपने हाथ पैर तोड़वा देगा एक्सीडेंट में? कौन बंदा सिंपैथी लेने के लिए अपने एक्सीडेंट करवा के अपने हाथ पैर की हड्डी तोड़वा देता है? अबे उल्टा पैदा हुआ था, दिमाग में गोबर भरा है। और अपने वीडियो के अंदर गलत बात बोलने के बाद, गालियां देने के बाद, जब जट प्रभजोत के फैंस इसे ये बोल रहे कि ये करना बंद कर दे, ये उन्हें अलग से सुना रहा है। जट प्रभजोत भाई के जितने भी फैंस देख रहे हैं, मुझे उन सभी से एक चीज कहना है कि क्या लगा तुमको, हाँ मैं डर जाऊंगा तुम्हारी धमकियों से, डर जाऊंगा। और एक तो इसकी ये हंसी ओवर एक्टर साला। और मेरे भाई, ये जो तू वीडियो में आके बार बार बोल रहा है ना कि मैं नहीं डरता, तो एक काम कर, मैं ना मान लूंगा कि तू नहीं डरता है, तो एक बार ना अपना मास्क उतार दे। ये जो मास्क लगा के तू इतना सारा बकवास कर रहा है अपनी पहचान छुपा के, एक बार ना तू मास्क उतार दे, मैं समझ जाऊंगा कि तू सच में किसी का तेरे को डर नहीं है। और जो मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे थे माँ बहन की, ठीक है, जिनको मैंने खुद, ठीक है, मैंने जाट प्रभजोत को ना ही उसकी माँ पे गया हूँ ना उसके बाप पे गया हूँ। अच्छा, तूने गाली नहीं दिया उसे, ये क्या है? तो गलती से हो गया, उठा ले। अच्छा, वीडियो में उसे गाली देने के बाद बोल रहा है कि मैंने तो उसे गाली ही नहीं दी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और ये सब करने के बाद जब इसे जट प्रभजोत के फैंस गालियां दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, प्यार बरसा रहे हैं, तो ये उनके माँ के बारे में गलत गलत बोल के जा रहा है वीडियो में। ये देखो ना, माँ बेटी बहन, पहले एक काम करना, अपनी माँ के साथ ना टेस्ट मैच खेल के आना, ठीक है ना, तब तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, पहले तुम खेल के आना, उधर करके आना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी माँ को भी ना मैं माँ ही बुलाऊंगा, ठीक है, मेरी नजर तुम्हारी माँ के लिए ऐसा गंदा नहीं होगा, समझ रहे हो? पहले उनकी माँ के बारे में गलत गलत बोला, फिर बाद में जाके उनकी माँ को ही अपनी माँ बोल के उनके बारे में कुछ गलत नहीं सोचता, तू ये बता रहा है? मैं तुझे समझ में आ रहा है तू क्या बोल रहा है? क्या मतलब है, मतलब उनकी माँ के बारे में गलत बोल के लास्ट में बोल रहा है कि मैं उनके माँ के बारे में कुछ गलत नहीं सोचता, क्या बोल रहा है? क्या बोलता है, कुछ भी बोलता है भाई। मैं लास्ट में बस तुझे यही बोलूंगा कि रोस्टिंग के नाम पे ना हगना बंद कर, इसे रोस्टिंग नहीं कहते पहली बात तो, सीधा डायरेक्ट धमकी और गालियां वालियां दे रहा है तू। बाकी दर्शी वीडियो गाइस, इसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, बाकी कुछ मैं अपने ओपिनियन शेयर करना चाहता था, मैं अपनी बात कहना चाहता था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, रोस्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं तुम्हें मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, टेक केयर।